तो फ्रेंड हमारी ये तिल का हलवा रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। बहुत ही झटपट 5 मिनट में पूरी बनके तैयार हो जाती है और कुछ किसी तरह का टेंशन बनाते समय नहीं होता है। तो इस तरह से ये एक प्रॉपर न्यू रेसिपी है जो कि तिल संक्रांत के लिए मेरी तरफ से मेरी बहनों के लिए भेंट है। इस रेसिपी को जरूर देखें, ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिल सकेगी। थैंक। हेलो फ्रेंड्स, इंदौरी किरण किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड आज मैं आपके साथ में एकदम न्यू रेसिपी नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बनने में काफ़ी इंस्टेंट है और काफ़ी कम इंग्रेडिएंट के साथ में बनाई जा सकती है। इसके लिए हम केवल 3 इंग्रेडिएंट का यूज़ करने वाले हैं। इस रेसिपी की विशेषता यह है कि इसे विंटर स्पेशल के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है और साथ में जब भी हमको कुछ ओकेजनली मीठा बनाना हो तो झटपट बनने वाली रेसिपी के रूप में भी हम इसे यूज़ में ला सकते हैं। तो इस तरह से आज मैं आपके साथ में तिल का हलवा या तिल का शीरा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए फ्रेंड हम इन्ग्रीडियंट देख लेंगे क्या क्या लगने वाले हैं। तो तिल की रेसिपी होने की वजह से हमको यहाँ पर तिल लगने वाला है जो मैंने यहाँ पर एक बॉल लिया हुआ है और शक्कर लगने वाली जो आधा बॉल लिया है और हमको पानी लगने वाला है। अभी हमको क्या करना है, रेसिपी शुरू करने के पहले हम गैस ऑन कर लेंगे और यहाँ पर मैं तिल को ऐड कर दूँगी और इससे हमें रोस्ट कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ ये तड़ तड़ करने लगे दाने तब तक ही करना है क्योंकि अगर ज़्यादा हम रोस्ट करते हैं तो इसमें कड़वापन आने लगता है। तो इस फ्रेंड ये तिल स्प्लिट होने लगी है, मैं गैस ऑफ कर दूँगी और इसे हम थोड़ा 2-3 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। फ्रेंड ये तिल ठंडे होके 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अभी मैं इसे मिक्सर पॉट में ऐड कर दूंगी, मैं इसका मोटा सा पाउडर बना लूंगी। ये देखिए अच्छे से ये हमको चाहिए उस तरह से पाउडर बन के तैयार हो चुका है। अब मैं क्या करूंगी, गैस को फिर से ऑन कर दूंगी और पैन रख दिया। अब मैं जो हमने आधा बॉल शक्कर ले रखी है उसको ऐड कर दूंगी। मैं एक बॉल पानी यहाँ पर ऐड कर रही हूँ और शक्कर को हमें अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। इसे घुमाते रहेंगे कंटिन्यूसली। ये शुगर में अच्छी तरह से उबाल आ रहा है। फ्रेंड यहाँ पर मैंने किसी भी तरह का आर्टिफिशियल एरोमेट्स या सुगंधी कुछ भी यहाँ पर यूज़ नहीं की है। मैंने इलायची का भी यूज़ नहीं किया है क्योंकि तिल का खुद का अपना एक फ्लेवर होता है और इसमें ऑयल भी अपना होता है जो कि नेचुरल स्मेल और स्वाद हमको देता है। तो इसलिए यहाँ पर मैं किसी तरह का घी का भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। शुगर सिर्फ अच्छे से बन के तैयार हो चुका है। देखिए शक्कर अच्छी तरह से घुल चुकी है। अभी हमको क्या करना है, हमने जो तिल का दरदरा सा पाउडर किया है उसको हम ऐड कर देंगे। तो ये मैं पूरा ही ऐड कर दूंगी यहाँ पर और अब इसे हमको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है तिल का हलवा, बस 2 मिनट लगने वाले हैं हमको यहाँ पर। ये देखिए धीरे धीरे गाढ़ा होते जा रहा है। मेरे मोबाइल में जो टाइमर चल रहा है उसके हिसाब से 1 मिनट 26 सेकंड हुए, यानी 2 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। अच्छे से गाढ़ा हो गया है ये मेरे मोबाइल के टाइमर के हिसाब से 20 सेकंड हो गए हैं। यहाँ पर का हलवा बनके तैयार हो चुका है। अभी मैं इसे डिश आउट करती हूँ और थोड़ा गार्निशिंग करने के बाद मैं आपको बताती हूँ। गैस ऑफ कर दूँगी मैं। तो फ्रेंड देखिए मैंने यहाँ पर शुगर वाले जो चिरौंजी होती है उससे और उसमें खसखस डाल के मैंने इसका गार्निशिंग कर लिया है। दिखने में बहुत खूबसूरत दिख रहा है। तो फ्रेंड ये ऑप्शनल है, आप चाहे जिस चीज़ से इसका गार्निशिंग कर सकते हैं। तो ये हमारी ये तिल के हलवे की रेसिपी जो कि बहुत ही ज़्यादा झटपट बनती है, न्यूट्रिटिव है, विंटर स्पेशल है और किसी भी ओकेज़न के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं।